इस वक्त हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यहाँ पर राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन की तरफ से एक सम्मेलन है जहाँ पर बहुत से ड्राइवर आए हैं और हम लोग इस वक्त बात करेंगे ड्राइवर के प्रेसिडेंट बलवंत जी से। जानेंगे कि लास्ट टाइम भी इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया और बहुत टाइम से लगातार मांगों को लेकर कभी कहीं पर अपने सम्मेलन को रखते हैं, लोगों तक बातों को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, कब कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या रिजल्ट आया अभी तक, हम उसमें भी चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम हमारे चैनल के थ्रू से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करा कि इनकी मांग क्या है और अभी तक का कितना मांग पूरा हुआ है। बलवंत जी, क्या हुआ अभी तक का? लास्ट टाइम आपने यहाँ पर इसी हॉल में सेम यही प्रॉब्लम था और बहुत से ड्राइवर आए थे साथ देने के लिए, जैसे राजपाल यादव जी भी आए थे। आज तक एक साल बीत चुके हैं, उसके बाद फिर से आप लोगों ने वही मांगों को लेकर आए, क्या है पूरा मामला, हो रहा है कुछ या होने का उम्मीद है? मैडम, वैसे तो हम एनुअल फंक्शन है जो हर साल करते हैं, लेकिन पिछले साल से हमने सम्मेलन करना शुरू किया है और उसका कारण ये है कि जितनी भी देश के अंदर यूनियनें हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं साथ में। पिछली बार से तादाद आज और ज़्यादा बढ़ी है, लोग मुंबई से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, पंजाब से, चंडीगढ़ से, हर इस बार भी पहुँचे हैं। और जो बात मांग की थी आपकी, आपने पूछा कहाँ तक बात बढ़ी है, तो पिछले साल 9 सितंबर 2018 को डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी जो सांसद थे वो पिछले प्रोग्राम में भी आए थे, उसके बाद उन्होंने हमारी यहाँ की जाके मांग जो पार्लियामेंट के अंदर उठाई थी, और जब वो मांग उठाई थी तो देश के जो पर्यटन हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक बड़ा उनके ऊपर आगे से पॉजिटिव जवाब दिया था कि हमने इसके ऊपर कमेटी एक गठन की है जिसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी करेंगे, और जो आपकी मांग है वो 20 लाख का बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 60 साल बाद पेंशन योजना, तो इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये कमेटी आपको रिपोर्ट देगी और ये बीमे के बारे में कमेटी इस पर चर्चा कर रही है। और उसके बाद में हमारे देश में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, इलेक्शन के बाद सरकार द्वारा नई बनी है और नई सरकार जब से बनी है तो हम एक बार फिर दोबारा से नितिन गडकरी जी के पास गए, हमने वहाँ पर उनके पास फिर दोबारा ये मांग रखी कि सर वो जो कमेटी आपकी एक बनाई हुई है उसने अभी तक क्या किया है? तो उन्होंने कहा था कि जैसे बीमे चल रहे हैं, एक 12 रुपए दो लाख का ले लो, एक 330 रुपए दो और 2 लाख रुपए का बीमा ले लो, दुर्घटना बीमा ले लो। तो हमने कहा था कि ये सर आप लोगों ने मजदूर लोगों के लिए जो एक बनाया है सिस्टम और वो बैंक के साथ कनेक्टेड है, हम एक ड्राइवर हैं, हमारी जो तकलीफ़ है वो अलग से है, हम रोडों के ऊपर रहते हैं और घर से भी हम दूर रहते हैं, हम ये 330 रुपए वाली को स्कीम को बदल के आप हमसे इससे 4 गुना ज़्यादा ले लीजिए, आप 1000 रुपया 1500 रुपया हमारा जब लाइसेंस रिन्यूअल हो उसी के साथ ले लीजिए, लेकिन हमें हमारी मांग है ये 2 लाख रुपए में आजकल आता क्या, कुछ भी नहीं, ड्राइवर ख़त्म हो जाए, लकड़ियाँ 2 लाख की आजकल तो लग जाती, इतनी महंगाई है। तो हमने ये कहा था कि हमें ये डिमांड हम बढ़ा के दो, हमें एक सारथी सुरक्षा कार्ड दो, हमारी एक सारथी नाम से पहचान बनेगी, तो पहचान जब बनेगी तो ड्राइवर अपने आप उसका परिवार महसूस सुरक्षित महसूस हो जाएगा कि इसका ऑलरेडी सरकार के द्वारा बीमा किया गया है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी फिर हमारे उनके मंत्रालय की तरफ से बात हुई उनके सचिव साहब से, वैभव डांके जी के द्वारा, उन्होंने कहा कि ये मामला जो है आप तो पैसा दे के एक पॉलिसी मांग रहे हो, वित्त मंत्रालय का है। तो आज हमने वित्त मंत्रालय के जो स्टेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, हम उनके बाद उनको मिले, आज कार्यक्रम में उन्होंने आना भी था, लेकिन हमारे बहुत बड़े एक लीडर अरुण जेटली जी की कल डेथ हो गई है, हमारा प्रोग्राम बहुत पहले से था, नहीं तो हम हो सकता है सम्मेलन भी नहीं करते, लेकिन हम उनको भी श्रद्धांजलि देंगे, 2 मिनट का मौन रख के उनको याद करेंगे। हमारे बीच में गौतम गंभीर जी ने हमें भरोसा दिया था कि इनकी मांगों को मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा, तो वो भी पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच सकते, लेकिन आज हमें उनका ना आने का गम नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ा लीडर खोया देश ने। तो अभी इसके बाद जो होगा सारी यूनियन ने बैठ के डिसाइड कर ली है, एक गुजरात की यूनियन है वो पैदल यात्रा लेके एक दिल्ली पहुँच रही है, 2 अक्टूबर को उनकी यात्रा शुरू होगी, उसके बाद में एक साइकिल रैली का आयोजन हो रहा है। गुजरात से पैदल आएंगे वो लोग दिल्ली तक? हाँ जी, गुजरात से वो पैदल आएंगे, सभी ड्राइवरों को जागरूक करते हुए, उनका रामलीला मैदान का प्रोग्राम है। उसके बाद एक टीम हमारी जो आज बैठे थे हमारे साथ दीपक गोयल जी, वो पूना से साइकिल रैली लेके आ रहे हैं, आज पहुंचेंगे यहाँ पर, वो पहुंचे हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, वो पहुंचे हुए हैं। तो आगे की रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं, जैसे अभी शुरुआत करी थी पिछले साल से, और काफ़ी ड्राइवर हमारे जो हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं
और काफ़ी अब ग्रुप भी हमारे साथ इस चीज़ को लेकर समाज सेवी जो बिजनेसमैन है वो भी काफ़ी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस दिन ये सपोर्ट हमारे देश के ड्राइवरों ने कर दी तो ये जो बीमा है 20 लाख का ये ऑटोमेटिक सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि ड्राइवरों को बहुत सारी बातें पता भी नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी फराज भी है। फराज, तुम्हारी कुछ सवाल है, सवाल करो। बुलंद जी, पहले ये बताइए कि ये जो सारथी सुरक्षा कार्ड है इसमें जो ड्राइवर यहाँ हैं और जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनको क्या क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहला तो लाभ है जी, जब सरकार इस चीज़ के ऊपर एक पॉलिसी बना देगी तो एक जैसे BPL कार्ड गरीबों का एक कार्ड मिलता सरकार देती है सबको योजनाओं के मुताबिक, उसी तरह का हमारे ड्राइवरों को सारथी सुरक्षा कार्ड मिल जाएगा एक, जिस पे सारथी लिखा होगा और सुरक्षा जो भी इसको डिपार्टमेंट देगा उसके बारे में उसका चर्चा होगी। जो ड्राइवर आए हैं या नहीं आए हैं उनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये जब मिलेगी तो इसके पूरे देश के ड्राइवरों के परिवार जो वो सुरक्षित हो जाएंगे। लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा ड्राइवर हैं देश के अंदर, लगभग 12-13 करोड़ से ऊपर कमर्शियल व्हीकल हैं। तो सरकार जब कोई भी पॉलिसी ले आती है, जब कई बार रूल कानून थोप दिए जाते हैं हमारे ऊपर, उस टाइम तो हमसे चर्चा नहीं करती है, लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत हो रही है तो वहाँ पर डिले क्यों हो रहा है? ये हमें थोड़ा सा अभी, हम इस पे ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्या हमारी भाइयों की एकता में अभी भी कमी है, कब वो जागरूक होंगे अपने हकों को लेकर के, तमाम चीज़ों पे हम बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस दिन देश का ड्राइवर जाग जाएगा, जिस दिन उनको ये सारथी सुरक्षा कार्ड के फायदे पता चल जाएंगे कि आपके जाने के बाद आपके परिवार को 20 लाख का बीमा मिलेगा, आपके दुर्घटना आने पर आपको 10 लाख रुपया मिलेगा, 60 साल बाद आप पेंशन योजना में आ जाओगे, तो देश के ड्राइवर लोग मेरे को लग रहा है काफ़ी हद तक जाग जाएंगे। तो ये बलवंत जी कमी कहाँ रह रही है? आपने अभी कहा जैसे कि कई ड्राइवर अभी एक साथ नहीं आ पाए हैं, कई पीछे रह चुके हैं, अभी यहाँ आधे आए हैं, भीड़ काफ़ी है, मगर कहीं ना कहीं ड्राइवरों की एकता पूरी तरह नहीं दिख पा रही है। उसका कारण ये है कि सर, जैसे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बंटे हुए हैं, इसी तरह से कोई ओला उबर में लगा दिया, बेस कंपनियों में फंस गया, कोई टूरिस्ट में फंस गया, कोई बस में चला गया, कोई ट्रक में चला गया, कोई ऑटो में चला गया, हमें ऐसे करके बांटा हुआ है। तो जब भी हमारी संस्थाएं कोई लड़ाई लड़ती है तो वो या तो ऑटो वाले अपना मुद्दा पकड़ लेते हैं, ट्रक वाले अपना मुद्दा पकड़ लेते हैं, बस वाले अपना पकड़ लेते हैं, टूरिस्ट वाले अपना पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारी यूनियन एक ऐसी है, हमने कॉमन मुद्दा रखा है, हम सबको जोड़ना चाह रहे हैं। आज आपने देखा होगा ऑटो यूनियन के भी अध्यक्ष बैठे हुए हैं और काली पीली के भी बैठे हुए हैं, टूरिस्ट के हम ऑलरेडी हैं और बस वाले भी हैं, ट्रक वाले भी हैं, सारे लोग हमारे बीच में आज मौजूद हैं। तो कितने वक्त की आस लगा के बैठे हैं आप कि इतने वक्त में आपका ये सारथी सुरक्षा कार्ड का सपना पूरा हो सकता है? सर, मैंने जब 1936 का कानून चेंज करवाने में 2007 में प्रयास किया था तो उस कानून को बदलवाने के लिए मेरे को 10 साल लगे थे। तो हमें ये पता है कि हमारे देश के अंदर सिस्टम बहुत स्लो काम करता है, फाइल घुमा के इधर की उधर कर दी जाती है, इधर से उधर डिपार्टमेंट में चली जाती है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर नोट और वोट की राजनीति भारी पड़ रही है हमारे ऊपर। हमारे पास वोट तो बहुत है, वो खिलरा पड़ा है, हमारे कुछ यूनियन लीडरों ने खिला रखा है। और जहाँ तक ये नोट की बात है तो हम गरीब रहते हैं, जैसे आज ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये सम्मेलन हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे ड्राइवरों ने, कुछ हमारे स्पॉन्सर ग्रुप ने हमें पैसा दिया, डोनेट किया है, तब जाके इतना बड़ा हॉल बुक करना, इतना बड़ा खाना ऑर्गेनाइज करना, तब हम कर पा रहे हैं। लेकिन हम इनको हर महीने नहीं मांग सकते, हर महीने हम सम्मेलन नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई ऐसा कोई बंदा हमारे बीच में आ जाएगा, जब हम अवेयरनेस के कैंप लगाने शुरू कर देंगे, ड्राइवरों को उनके अधिकारों में के बारे में बताना शुरू कर देंगे, तब जाके ये हमारी कमी है, हम किसी की कमी नहीं कर रहे। जिस दिन रामलीला में रामलीला मैदान भर देंगे तो उस दिन मेरे ख्याल अगले दिन ही सरकार ऐलान कर देगी। बलवंत जी, और एक मैं सवाल करती हूँ कि अभी जैसे आप लोगों का मीडिया कवरेज जिस हिसाब से मिलना चाहिए, क्या ऐसा मिल रहा है आप लोगों की आवाज़ उठाने में? मेरे ख्याल में तो मैडम नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछली बार भी आप ही ने एक आवाज़ उठाई थी, उसके बहुत सारे व्यू थे उस वीडियो के, हम देखते रहते हैं, आज भी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में उसको चलाते रहते हैं। तो जो मीडिया सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये सच्चाई बात है, हमें मीडिया सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जबकि मीडिया की जो गाड़ी आते हैं वो गाड़ी चलाने वाले भी सारथी होता है, ड्राइवर ही होता है, ड्राइवर के बिना तो गाड़ी भी नहीं आ सकते, ना सूचना लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो आपको क्या कहना है, आज की डेट पर मीडिया अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है नहीं कर रहा? नहीं, मीडिया काम जिम्मेदारी से कर रहा होता तो वो लीडरों को थोड़ी ना दिखाता, ग्राउंड पे काम कर रहे लोग हैं जिनकी तकलीफें, उनको भी तो दिखाना चाहिए ना। जब कोई देखो कोई ना कोई घटना चाहे वो बेगुनियादी हो जाती है तो मीडिया कैसे ड्राइवर को उछालता, ड्राइवर ऐसे, ड्राइवर ने छेड़छाड़ करी, ड्राइवर ने ये किया ये किया, लेकिन कभी मीडिया ने ये उछाला कि ओला उबर कंपनियों के अंदर कितने ड्राइवर मर गए, वो क्यों नहीं लाल जाके किसी का गला घोट दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, किसी के खंजर खोप दिया गया, कितने कत्ल, 10-12 कत्ल हो चुके हैं, वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? कहीं ना कहीं हमें
यहाँ से मायूसी बहुत नहीं मिल, जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से मिल रही। उसके साथ और एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगी, जैसे आपने बताया कि साथी सुरक्षा कार्ड, तो उस कार्ड का नाम सारथी जो लास्ट टाइम मैंने पूछा था, लेकिन इस टाइम भी मैं आपसे फिर से एक बार पूछना चाहती हूँ कि देखिए लोगों को, लोग क्या मानते हैं कि आप लोग सारथी है, वो लोग तो सिर्फ एक सिंपल ड्राइवर समझते हैं, लेकिन जो आपने सारथी अर्जुन के साथ जो कृष्ण गए थे, कृष्ण को सारथी बोला जाता है, तो आप लोगों ने अपने आप को सारथी समझते कि यार लोग समझते इस बात को, तो लोगों के लिए क्या कहना है आपको? लोग भी उस नज़रिए से नहीं देखते जी ड्राइवर को। आपने मीडिया की गाड़ी की बात करी, अभी मैं कल हम पंपलेट बांट रहे थे तो प्लीज़ उनको हमने बोला कि आप लोग यहाँ कार्यक्रम हो रहा पहुँचिए, तो कह रहे यार हम तो मीडिया वाले हैं, ड्राइवर हैं। तो मैं कहा मीडिया वाले क्या लग धरती के होते हैं, वो तो ड्राइवर ही ना, तो आप बल्कि अपनी मीडिया को बताओ कि यार हमारा प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग हमें कवरिंग दीजिए। रही बात सारथी नाम की, आपने बोला कि क्यों हम इसको, हमने नाम को चुना, उसका कारण ये है कि श्री कृष्ण भगवान जब स्वयं सारथी बने थे तो तब महाभारत जीती गई थी। हम भगवान के साथ नहीं अपने आप को जोड़ रहे, हम तो ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं सरकार को कि देश का प्रधानमंत्री भी सारथी के बिना नहीं चल सकता, वो भी जाएगा एयरपोर्ट इधर उधर ड्राइवर के साथ जाएगा, खुद तो गाड़ी वो चलाएगा नहीं। आर्मी का कर्नल जनरल जाएगा तो ड्राइवर के साथ, एम्बुलेंस भी जाएगी तो ड्राइवर के साथ। तो हम ये जो हमारे को बदनाम किया जाता है, तो हमने सारथी नाम इसलिए रखा कि शायद हमारे पे जो बदनामी के थब्बे लग रहे हैं, लोग जब हमें एकदम से बदनामी का टैग देते हैं तो वो शायद धुलने शुरू हो जाएं, और जब ड्राइवर को लगेगा मेरे लाइसेंस के ऊपर सारथी लिखा हुआ है तो वो भी सोचेगा यार मैं एक सारथी हूँ, मैं अपनी जो ड्यूटी को वो बड़ी ईमानदारी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से निभाऊँ। तो इसलिए मतलब ये सारथी नाम को हमने चुना। बहुत अच्छी बात आपने बताया, ड्राइवर के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत से ड्राइवर ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं लोगों के साथ, मिसबिहेव करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? जो मैं आपको बताता हूँ जी, मैं जो बदतमीजी की बात है मेरे तक तो आज तक शायद पहुँची नहीं है, क्योंकि मैं एक ड्राइवर यूनियन का प्रेजिडेंट हूँ तो मैं शायद ये कबूलूँ भी ना, लेकिन हकीकत में क्या है वो कमियां सरकार की है। उसका कारण है जब हमें लाइसेंस मिलता है, जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में ढंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उल्टे सीधे सवाल वहां पर होते हैं जो मतलब हमारे सिर से ऊपर निकल जाते हैं। जो हमें ट्रेनिंग देने वाला होता है, हम 20-20 साल से गाड़ियां चला रहे हैं, हमें कुछ अलग हट के कोई चीज़ मिलनी चाहिए। वहाँ जाओ दिन ख़राब करो और वहाँ पर सवाल बिल्कुल ही बेबुनियाद बताए जाते हैं जिनका हमारे साथ कोई रूपरेखा नहीं है। जैसे आज हमारे बीच में ASI राघवीर सांगवान जी भी आए थे, तो हमने उनको भी बोला कि आप यहाँ पर अच्छे जो विचार हैं वो ड्राइवरों के बीच में रख के जाएं, उन्होंने भी तो रखे हैं ना, सरकार क्यों नहीं कर सकती, सरकार ने काम दे रखे हैं। तो सरकार नहीं कर सकते, सरकार रातों रात नोट बंद कर देते हैं, GST ले आते हैं, रातों रात सारी फैसला ले लेते हैं। अभी 370 भी धारा, वो भी जो धारा था वो भी हटा दिया, जब कभी नहीं लगता था कि कभी हट पाएंगे, जैसे लोगों का कहना है। तो आप लोगों का डिमांड नहीं पूरी हो सकते जिसके बिना सरकार की गाड़ी भी नहीं चलते सर, क्यों ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता? मैंने आपको कहा जी कमियाँ फिर हमारी है, और हमने इस बार हमारा सोच था कि ये हॉल आज चलो भर गया, बहुत अच्छी बात है, पिछली बार भी भरा था। हम इस बार हमारा टारगेट था कि जितने लोग अंदर हैं उससे ज़्यादा बाहर खड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जैसे बीच में एक टैग लग रहा लगा रखा है, एक MCD ने एक थोप दिया हमारे ऊपर 236 रुपये का बाहर डाल दिया, हमारे ड्राइवर तीन चार दिन से वहाँ परेशान हो रहे हैं। जब ये पॉलिसी कोई लेके आते हैं ये किसी यूनियन से के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। अब उस 236 के हिसाब से आने वाले इलेक्शन का पैसा इकट्ठा हो गया है, जो दिल्ली में विधानसभा होने हैं या कहीं और स्टेटों में होने हैं नज़दीक हैं, वो 236 के हिसाब से देश के अंदर 13-14 करोड़ कमर्शियल व्हीकल है, तो वो 236 को गुणा करो जी, 2-3 स्टेटों का तो पैसा आ गया, उनको हम दिख जाते हैं। मैं जब 12 साल से मैं देखता आ रहा हूँ सरकार हमारा टेम्पर चेक करती है, पहले काली पीली टैक्सियाँ हमारी बंद करी, हमारे यूनियन लीडर ने, हमारे लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, सरकार ने कहा ये अलग है। कमी आप लोगों में से ही है, कमी हमारे बीच में ही है, हमारे यूनियन लीडरों के बीच में है, जो फोटो तो इनके साथ जा के जरूर उठ जाते हैं, चाहते हैं हम भी जब मिलते हैं, लेकिन हम अपने मिशन से पीछे नहीं है। हम तो सवाल है शायद सफराज भी करना चाहते हैं, आखिरी सवाल होगा सर, अभी आपने कहा था कि सरकार की भी कहीं ना कहीं बहुत कमी है, स्लो है सरकार, फाइलें इधर से उधर पड़ी रहती हैं, ये बात सही है आपकी, पर इस सरकार में तो बहुत बदलाव आया है सर, पार्लियामेंट में धड़ाधड़ बिल पास हो जाते हैं, बिल आते हैं, 2 दिन का भी समय नहीं लगता है, तो आपकी मांग क्यों नहीं पास होनी चाहिए? सर देखो, जिसमें सरकार को फ़ायदा होता है वो तो सरकार 1 मिनट में बिल पास कर देती है, जिससे उनको रातों रात मीडिया ने हाईलाइट करना होता है,
लेकिन जब बात गरीब लोगों की आती है तो वहाँ पर सरकार पीछे रह जाती है। आपको वो नायक फिल्म का डायलॉग याद होगा, जब वो अमरीश पुरी जी आते हैं उसके बीच में फिल्म के अंदर, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर लाइट क्यों नहीं है। तो जब वो उसको आगे से हीरोइन है जो मैं क्वेश्चन करती है कि सर ये खंभे भी 3 दिन पहले लगे हैं, तो कह रहा है खंभे लगे हैं तो यार लाइट क्यों नहीं है, तो लाइट जलाओ इनको। वो कह रहे सर जिन्होंने 40 करोड़ रुपया दिया वो उनकी फैक्ट्री है, आधी लाइट तो उनको दे रखी है। सो यही हाल हमारा हो रखा है, जो हमारे जो ड्राइवर इनको जो नहीं दिख पा रहे हैं, जिस दिन ये 19 करोड़ इनको दिख गए इनकी क्या मजाल है, एक आधे घंटे के अंदर अंदर ये फैसला ले देंगे। जिस दिन ड्राइवर रुक गया ना देश का, मैं हम ऐसे धरने प्रदर्शनों में जाना नहीं चाहते हैं, हम कलम से काम करना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन ये रुक गया अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। हम 35% रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं और PM साहब के चल तो चलो मान लेते हैं सरकारी ड्राइवर है, पर बाकियों के साथ जिस दिन रुक गए, मीडिया की गाड़ियाँ रुक सकती है, एम्बुलेंस रुक सकती है, बस रुक सकती है, ट्रक रुक सकता है, कार रुक सकती है, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। हमने पीछे एक दो जहाज़ों के पायलटों के साथ भी मुलाकात करने की कोशिश करी हमने, यार हो तो आप भी ड्राइवर, आपको पायलट बोला जाता है, आप भी आप उड़ा के लेके जाते हो, हम चला के लेके जाते हैं। तो हमने कहा हाँ, तो हमने कहा था कि आप भी हमारा सहयोग करो, साथ दो। तो मतलब कहीं ना अहम जो कई बार हमारे बीच में आ जाता है, लेकिन हमें अभी तक तो पूरा विश्वास है कि हम ये जंग जीतेंगे ज़रूर, हम ये बीमे अपने लेके छोड़ेंगे। बल्कि अपील आप मैं कैमरे के आपके वीडियो के माध्यम से सभी से करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देश के ड्राइवर भाई हैं वो बंटे हुए हैं, वो सही यूनियन की पहचान नहीं कर पाते, उनकी गाड़ियाँ चला चला के जो सोच है वो बहुत ख़त्म हो रखी है। तो वो चीज़ को बाहर आएँ, सोशल मीडिया का टाइम है, ज़माना है, सही मुद्दों के साथ, सही यूनियन के साथ और सही अपने हकों के साथ खड़े ज़रूर हों। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बलवंत जी, हमने बहुत सारी बातें इनसे करी है, जानने की कोशिश भी करा सारथी क्यों चाहते हैं सारथी कार्ड, और सचमुच में अगर हम सोच के देखें कि सही में सारथी के बिना हम लोग सब अधूरा है, क्योंकि अगर बस में सफ़र करना है तो हमें ड्राइवर चाहिए जिसको हम सारथी बोलते हैं, अगर ट्रेन में जाना चाहिए तब भी हमें चाहिए सारथी, फ्लाइट में जाते तब भी चाहिए, कोई ऊपर से उड़ाते हुए लेके जाते हैं, कोई नीचे लेके जाते हैं, जो रास्ते पर सड़कों पर चलाते हैं, और बहुत सारी इनके ऊपर बहुत सारी बातें भी है कि कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है इनके साथ, क्योंकि इनका परिवार इनके पीछे, इनके परिवार रहते हैं, परिवार की सुरक्षा के लिए लोग चाहते हैं कि सारथी सुरक्षा कार्ड इनके मिले, इनकी डिमांड यही है, और कब तक इनकी डिमांड लेके ये कहां तक पहुंचेगा, हम लगातार हमारे चैनल के द्वारा हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।